स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री विल स्टडी नाउ बेबी मंगूज। देखे हो क्या मंगूज क्या होता है? नेवला। देखे हो नेवला और सांप, इस दोनों का खानदानी दुश्मनी चला आ रहा है। नेवला यदि सांप 36 का आंकड़ा, यदि ये लोग देख ले एक दूसरे को तो फिर टूट पड़ता है। नेवला तो सामान्यतः मार ही देता है, उसको जीत निश्चित रहती है उसकी, परंतु कभी कभी उल्टा भी होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक लड़का जिसका नाम तभी है, उसने बारिश में भींगते हुए एक नेवले को देखा। उन्हें लगा कि शायद वह मर गया है, अपनी माँ को बताया। उसके माँ ने जब देखा तो देखा कि उसमें जान था, उसने अंदर ले आया। उसके पिताजी भी थे, मोफलर से उस नेवले को पूरा लपेटा गया, आग के पास रखा गया। थोड़ा गर्म हुआ तो नेवला छींकने लगा, खुशी हुई और फिर नेवला उसका दोस्त बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस घर में नेवला रहता था वहाँ नाग और नागिन आ गई और दोनों बात कर रही थी कि इस घर में रहने वाले जितने लोग हैं उसको काट ले, मर जाएगा और ये घर हमारा ठिकाना हो जाएगा, इसी में हम रहेंगे। नेवला ने यह बात सुन ली जबकि वह बच्चा था। बावजूद इसके जब बाथरूम में घुसा नाग और वेट कर रहा था कि उसके पिताजी आए तो हम काट लेंगे, उस समय नेवला ने उस पर अटैक कर दिया और जब वह छटपटाया तो उसके पूंछ से जग गिर गया। उसका आवाज़ हुआ तो घर वाले दौड़ के आए और डंटा से उसे मार दिया। इस क्रम में नेवला भी जख्मी हो गया। कहानी यह है, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तभी सेव्ड द लिटिल मंगूज फ्रॉम बैटर कोल्ड एंड कैप्ट हिम एज ए पेट। ही नेम्ड हिम रिक्की टिक्की। द मंगूज शोड हिज ग्रेटिट्यूड व्हेन द टाइम केम एंड सेव्ड देम फ्रॉम द फियरफुल कोबरा। तभी नाम का एक लड़का था, उसने एक नेवला को बचाया, सुरक्षित रखा और समय आने पर उसने उसकी कृतज्ञता दिखाई और उसके भी परिवार को उसने सेव किया। शुरू करते हैं अब। इट हैड रेंड हैवली ऑल नाइट, द सनलाइट वॉज लिटिल पेल। तभी अ यंग बॉय ऑफ 10 वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। He saw a mongoose lying waste and still on the grass, almost frozen with cold. 10 साल का लड़का है जिसका नाम है तभी। बारिश हो रही थी जोरों से, सूर्य भगवान लगभग जाने ही वाले थे और उसने देखा कि एक मंगूज पड़ा हुआ है, लगभग सर्दी के मारे बेचारा स्थिति खराब था। देर इज डेड मंगूज, तभी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, लेट्स बरी हिम। कहा ये तो मर गया, चलो उसको कहीं गाड़ दें। सामान्यतः हम लोग यही करते हैं, जब कोई पालतू या कोई जानवर हमारे यहाँ मर जाता है तो उसको कहीं ना कहीं गाड़ देते हैं। नो सेड सम हिज मदर, इट्स हर्ट इज बीटिंग फैंडली, परहैप्स ही विल लाइव विल टेक हिम इन साइड एंड ड्राई हिम। बोला इसका हार्ट बीट चल रहा है, जब कोई जिंदा होता है जीवित होता है तो उसका हार्ट बीट काम कर रहा होता है। उसने देखा, बोला हो सकता है यह जीवित हो जाएगा, चलो इसको अंदर ले जाते हैं। तब हिज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वूलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। द मंगूज स्नीज्ड, तब हिज पेरेंट्स वर डिलाइटेड। पुराने एक मफलर में मंगूज को लपेट दिया गया, फिर क्या हुआ, आग के पास उसको रखा गया तो वो छींक दिया,
छीन दिया तो सब खुश हो गए, चलो जिंदा है, हमारा मेहनत सफल रहा। दे गेव हिम सम कॉर्न एंड देन टुक हिम इनसाइड, ही टुक हिज फर एंड ही सूक हिज फर एंड इट वॉज क्वाइट ड्राई। उसको कुछ अनाज खाने के लिए दिया गया, उसका जो फर था वो सूख गया, पूरा रोआ उसका सूख गया। सून ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन तवी। अब वो जिसने उसका जीवन बचाया उस तवी के साथ अब खेलने लगा, उसमें रुचि लेने लगा। ही फॉलोड द बॉय अराउंड द हाउस एंड इन टू द गार्डन। अब घर से लेकर बाहर तक उसके पीछे 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 रिक्की टिक्की। ही स्लेप्ट इन तवीज रूम एट नाइट। और रात में वो टवी के ही रूम में सोता था। कौन? इन द मॉर्निंग ही केम टू ब्रेकफास्ट सेटिंग ऑन टवी शोल्डर। और वो नाश्ता भी सुबह में तवी के कंधे पर चढ़ के करता था। टू बिकेम गुड फ्रेंड्स। दोनों सच्चे मित्र बन गए। कौन कौन? तवी। द मंगूस वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिक्की टिक्की। तवी लाइक्ड द साउंड एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की। जब वो घास में जाता था तो जोर जोर से चिल्लाता था रिक्की रिक्की टिक्की, तो उसका नाम रख दिया गया रिक्की। वन मॉर्निंग रिक्की वॉच वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। देयर ही सा अ नाग अ बिग कोबरा एंड ए नागिन। एक सुबह की बात है कि रिक्की घूम रहा था गार्डन में तो उसने क्या देखा? नाग कोबरा और एक नागिन, नाग और नागिन। द स्नेक्स एंड मंगूज आर द ओल्ड इनिमीज एंड रिक्की न्यू दैट हिज जॉब वॉज टू किल द स्नेक्स। पुरानी कहानी रहा है क्या कि सांप और नेवला एक दूसरे का दुश्मन रहा है, तो रिक्की को यह समझ में आ गया कि अगला काम उसका है सांप को क्या करना, मारना। द कोबरा ऑल्सो न्यू डैट अ मंगूस इन द गार्डन मीन्स डेथ फॉर हिम एंड हिज वाइफ। कोबरा भी जानता था कि अगर यहाँ ये है तो हमारी और मेरी पत्नी की दोनों की मौत निश्चित है। इट वॉज अ फुल ग्रोन स्नेक वाइल रिक्की वॉज स्टिल अ बेबी। सांप जवान था, फुल ग्रोन था, परंतु नेवला क्या था? बच्चा था। आई वुड नॉट फाइट दिस कोबरा एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर, रिक्की सेड हिमसेल्फ। रिक्की मन में सोचा कि ये दोनों साथ हैं तो हम इसे लड़ नहीं सकते हैं, एक से लड़ेंगे तो दूसरा हमला कर देगा। इट वॉज नाइट एंड तवी एंड हिज पेरेंट्स वेयर फास्ट असलीप। रात हो गया, तवी और उसके पिताजी गहरे नींद में सो रहे थे। रिक्की वेंट और फॉर हिज नाइट वॉक अराउंड द हाउस। ही हर्ड अ साउंड कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ तवी पेरेंट्स। रात में घूमने निकला रिक्की तो देखा कि तवी के जो पेरेंट्स हैं उसके बाथरूम से कुछ आवाज आ रही थी। ही हर्ड द नागिन टेलिंग हर हस्बैंड। नागिन अपने पति को बोल रही थी, लेट्स वाइट एंड किल ऑल दीज पीपल इन द हाउस। इस घर में जितने लोग हैं सबको काटो और मार दो। वेन नो वन लेफ्ट अलिव दिस रास्कल विल गो अवे। जब कोई बचेगा ही नहीं तो ये जो रिक्की है खुद भाग जाएगा, ये भाग जाएगा यहाँ से। देन विल हैव द होल गार्डन ऑफ आवर सेल्फ। और ये पूरा बगीचा अपना हो जाएगा। रिक्की सा द कोबरा क्रॉलिंग इन टू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। अब कोबरा क्या किया, बाथरूम के नली के सहारे चला गया, कहाँ? बाथरूम में। रिक्की वॉच एंग्री बट लिटिल स्कर्ड आल्सो। गुस्सा में तो था लेकिन सावधान था। इज द कोबरा सो बिग एंड पॉइजनस, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने कहा इतना बड़ा है, बहुत जहरीला हो गए। द कोबरा वेटेड फॉर तवीज फादर टू कम टू द बाथरूम। ही कॉइल्ड हिमसेल्फ अप टिल द लुक्ड लाइक अ पीस ऑफ रोप व्हेन ही वेटेड पेशेंटली। अब कोबरा ने क्या किया कि जहाँ कपड़ा रखते हैं ना बाथरूम में,
वहाँ वो पूरा रस्सी की तरह लिपट गया और वेट करने लगा कि उसके पिताजी आए तो उसको काटे। रिकी वॉच कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द कोबरा, एकदम ध्यान से कोबरा को देख रहा था। कौन? मंगूस, यानी रिकी। ही जंप्ड ऑन द कोबराज हेड एंड डग हिज टीथ डीप इनटू द स्नेक्स फ्लेश। एकाएक जंप किया और उसके फन को ही पकड़ लिया और अपना दांत पूरा उसमें गड़ा दिया। द कोबरा बिकेम फ्यूरियस, बेचैन हो गया। कौन? कोबरा। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड रिकी वॉज हिट अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। ही वॉज हर्ट एंड ब्लीडिंग बट डिड नॉट लूज हिज ग्रिप ऑन द कोबराज हेड। अब दोनों ओर ऐसे पटक रहा था कोबरा अपना सर ताकि इसको चोट लगे और छोड़ दे। इसमें घायल भी हो गया रिकी, लेकिन उसने अपना पकड़ को ढीला नहीं किया। ड्यूरिंग दिस गोइंग ऑन स्ट्रगल द कोबराज टेल अपसेट अ जग व्हिच फॉल ऑन द ग्राउंड विद अ लोअर थट। इसी दोनों के लड़ाई के क्रम में कोबरा के पूंछ से एक जग को धक्का लगा और वो गिर गया और बड़ी जोर से आवाज किया। तब हिज फादर वॉक अप हियरिंग द साउंड ही रश्ड टू द बाथरूम विद अ बिग स्टिक एंड किल द कोबरा। जब उसके पिताजी को आवाज़ सुनाई दिया तो वो एक बड़े डंटा के साथ दौड़े बाथरूम में और कोबरा को मार दिए। द नागिन ऑल्सो लेफ्ट द गार्डन फॉर फियर ऑफ द पेट मंगूस। अब चूंकि नाग को इसने मार दिया तो इसके डर से नागिन भी वहाँ से भाग गया। रिकी वॉज ब्लीडिंग प्रोफसली तब हिज फादर पिक्ड हिम अप एंड अप्लाइड सम मेडिसिन ऑन यू ओन। पूरा ब्लड बह रहा था तो रिकी के तभी के पिताजी ने उसे उठाया और कुछ दवा लगा दी। आई किल द स्नेक नो डाउट ही टोल्ड हिज वाइफ। तभी के पिताजी ने अपने पत्नी से कहा कि मैंने सांप को मार दिया है, बट इट इज रिकी हु हैज सेव्ड आवर लाइफ्स, परंतु रिकी है जिसने हम लोगों के जीवन को बचाया। मदर गेव हिम सम मिल्क एंड ही वॉज हैप्पी। तभी की माँ ने उसे कुछ मिल्क दिया और वो खुश था। तो इसका कहानी का सारांश यही है कि हमें जानवर के प्रति या किसी जीव के प्रति दया दिखानी चाहिए। कुछ क्वेश्चन का हिंदी में बता देता हूँ ताकि आप लोग इसका आंसर लिख सकेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिकी टिक्की, वेयर डिड टबी फाइंड हिम। रिकी टिक्की कौन था और कहाँ तभी ने उसे पाया। Why did Tubby think that Mongoose was dead? क्यों उसने सोचा कि Mongoose मर चुका है। What did Rikki Tikki see in the garden? Rikki Tikki ने बगीचा में क्या देखा। Where did the cobra hide? कोबरा कहाँ छुपा। How did it took there? वहाँ वह कैसे पहुँचा। प्रश्न का उत्तर कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड कीजिए, वर्ड मीनिंग लिखिए और फ्रेम सेंटेंस कीजिए। ठीक है, ये होमवर्क है।